हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी के आर टेक क्लासेस। तो दोस्तों, ये है SSC JEE इलेक्ट्रिकल MCQ का पार्ट 23, और अभी तक हम टोटल 22 पार्ट लेके आ चुके हैं, और इनमें 20-20 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो टोटल 440 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं दोस्तों। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द डिवाइस सप्लाई 30 mW। ठीक है, कौन सी डिवाइस है जो कि 30 mW सप्लाई इसमें है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है ये देखिए। हम देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन ए में, इसमें क्या है, करंट कैसे फ्लो कर रही है। आप जानते हैं 10 वोल्ट प्लस और माइनस, क्या प्लस से बाहर निकल रही है, तो क्या होगा, पी की वैल्यू निकालेंगे तो BI। ठीक है, तो यहाँ पर 10 × 3 क्या आ जाएगा, 30 mA। ठीक है, एक तो ये सही है आपका ए ऑप्शन। उसके बाद देखेंगे हम ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में क्या है, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में करंट, तो क्या आएगा, 5 × −6 mA। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें आपका, माइनस का 30, तो ये नहीं है, बी नहीं होगा। ठीक है, आप देखेंगे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या है, इसमें भी एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या माइनस के 30 आएगा, और ऑप्शन डी क्या है, ये एकदम सही है, तो इसमें क्या आएगा, प्लस का 30 mW। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड सॉरी ऑप्शन ए एंड डी क्या सही है, तो ऑप्शन ए एंड डी किस में है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए एंड डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, पावर एब्जॉर्ब बाई वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स इन फिगर इज। ठीक है, इसमें हमें बताना है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स पावर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो इसमें पावर एब्जॉर्ब क्या है, ये है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स BD। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे BC, BC की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वोल्ट। ठीक है, प्लस का 2 वोल्ट है, तो हम BD की इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2। ठीक है, तो क्या आएगा, 4 वोल्ट। ठीक, हम इसकी BD की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 40 वोल्ट। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम ID, ID की वैल्यू कितनी है, ID की वैल्यू एमीटर के अंदर रीड कर 1.5। ठीक है, तो हमें बताना पावर एब्जॉर्ब बाई, तो P इक्वल टू क्या होता है, B × I। ठीक है, तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या है, VD, और I की वैल्यू क्या है, ID। तो VD इक्वल टू 4 × ID इक्वल टू 1.5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 वॉट। किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, हमें इस सर्किट में जो आपका दिया गया इसमें R की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज दिया गया, वोल्टमीटर में कितनी रीडिंग शो कर रहा है, 5 वोल्ट, और आपका एमीटर में कितना रीडिंग शो कर रहा है, 0.5 वोल्ट। ठीक है, माइनस का 0.5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, V/I, तो 5/0.5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 ओम। ठीक है, सही आंसर क्या आ जाएगा, 10 ओम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, द वैल्यू ऑफ करेंट I एट t = 1 सेकेंड फॉर द सर्किट इज ऑफ फिगर इज, ये हमें सर्किट दिया गया है। ठीक है, इसमें बोल रहा है हमें करंट I की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। ठीक है, तो I यहाँ पे है, तो दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे t = 0 पर, t = 0 पर क्या होगा, ये क्या होगा, ओपन होगा और ये क्लोज होगा। t = 0 पर, सॉरी t = 0 पर क्या होगा, ये स्विच है आपका, ये क्या होगा, ओपन होगा और ये क्या है, क्लोज होगा, क्योंकि ये आपका क्लोज होने में कितना टाइम लेता है, 3 सेकंड का, ये ओपन होने में 2 सेकंड का। ठीक है, और जबकि हमें t = 1 पे निकालना है, तो ये क्या, ये क्लोज नहीं हो पाएगा और ये ओपन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा सिर्फ सर्किट कितना रहेगा, इतना रहेगा, तो इसमें हम निकालेंगे I = क्या आएगा, B/R। ठीक है, तो अब B की वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट, और R की वैल्यू क्या, 5 kΩ। ठीक है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सही आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, और कितना मिलेगा, ये सही आंसर आप सॉल्व कर लीजिए, 2 mA। ठीक है, कितना मिलेगा, 2 mA। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस आर इन फिगर सो दैट वी लेस देन 40 वोल्ट। ठीक है, हमें इसमें निकालना है वी वी लेस देन कितना है, 40 वोल्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, यहाँ से हम निकालेंगे रेजिस्टेंस, तो आर इक्वल टू क्या आएगा, बी अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आई की वैल्यू, सॉरी सॉरी, बी अपॉन आई। ठीक है, तो क्या आएगा, बी अपॉन आई की वैल्यू क्या है, 2। ठीक, और वी क्या है आपका, बी की जब वैल्यू हम रखेंगे तो आएगा लेस देन 40/2, तो आर लेस देन 20 ओम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, अ जनरेटिंग सब स्टेशन हैज अ मैक्सिमम डिमांड 35 मेगावाट एंड हैज अ कनेक्टेड लोड ऑफ 60 मेगावाट, व्हाट विल बी द डिमांड फैक्टर। ठीक है, तो इसमें हमें दिया गया मैक्सिमम डिमांड एंड कनेक्टेड लोड दिया गया है, तो आपका जो फॉर्मूला होता है डिमांड फैक्टर का वो क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। तो क्या आएगा, 35/60। ठीक है, दोनों मेगावाट में यूनिट है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.583। ठीक है, या फिर 58.3%, ये क्या आ जाएगा आपका डिमांड फैक्टर। तो सही आंसर ऑप्शन टी। क्वेश्चन नंबर 7, अ जनरेटिंग स्टेशन सप्लाइज 4 फीडर्स विथ मैक्सिमम डिमांड इन मेगावाट, हमें मेगावाट में दी गई मैक्सिमम डिमांड 16, 16 मेगावाट, 10 मेगावाट, 12 मेगावाट एंड 7 मेगावाट। ठीक है, द ओवरऑल मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन इज 20 मेगावाट। ठीक है, ओवरऑल मैक्सिमम डिमांड कितनी है स्टेशन की, वो है 20 मेगावाट, एंड द एनुअल लोड फैक्टर आपका दिया गया 45%, व्हाट विल बी द डाइवर्सिटी फैक्टर, हमें निकालना है यहाँ पर डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 40 मेगावाट। ठीक है, हमें दिया गया है यहाँ पे क्या दिया गया है, साइमल्टेनस मैक्सिमम डिमांड कितनी दी गई हमें, 20 मेगावाट। ठीक है, तो सबसे पहले नहीं, हम सॉरी डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला, सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड अपॉन साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो 40/20 मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 2.25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टोटल एनुअल एनर्जी जनरेटेड इफ द मैक्सिमम डिमांड ऑन अ पावर स्टेशन इज 120 मेगावाट एंड द एनुअल लोड फैक्टर इज 50%। यहाँ पे हमें दिया गया मैक्सिमम डिमांड कितना है, 120 मेगावाट, एंड द एनुअल लोड फैक्टर कितना है, 50%। ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड दिया गई हमें और एनुअल लोड फैक्टर दिया गया है, तो लोड फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी जनरेटेड बाई पर एनम अपॉन मैक्सिमम डिमांड इंटू आवर्स इन अ ईयर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे मैक्सिमम डिमांड इंटू लोड फैक्टर इंटू आवर्स इन अ ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मैक्सिमम डिमांड कितना है, 120 मेगावाट, तो 120 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.5 इंटू 24/365 किलोवाट आवर। ठीक है, तो टोटल आंसर आपको ये मिल जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम डिमांड ऑन अ जनरेटिंग स्टेशन इज 20 मेगावाट। ठीक है, ऑफ अ लोड फैक्टर 70%, 75%, अ प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ऑफ 50% एंड अ प्लांट यूज फैक्टर ऑफ 80%, रिवर्स कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज, हमें यह बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम डिमांड दी गई है, लोड फैक्टर दिया गया है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे कि इसमें क्या एवरेज, एवरेज लोड इक्वल टू क्या, मैक्सिमम डिमांड इंटू लोड फैक्टर, तो 20 × 7.75 कितना आ जाएगा, 15 मेगावाट, ये क्या आ जाएगा एवरेज, एवरेज लोड। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या है, 50%, तो 0.05। ठीक है, पावर इंस्टॉल कैपेसिटी
पावर स्टेशन इंस्टॉल कैपेसिटी निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज लोड ऑन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 15/0.5, तो कितना आ जाएगा 30 मेगावाट। ठीक है, अब निकालेंगे हम प्लांट रिवर्स कैपेसिटी, ये क्या है, इंस्टॉल कैपेसिटी माइनस डिमांड, मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, 30 - 20 = 10 मेगावाट, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अ कंज्यूमर हैज़ अ कंज्यूमर हैज़ अ कनेक्टेड लोड ऑफ 12 लैम्प्स ईच ऑफ 100 वॉट एट हिज हर परमिस हिज एंड हर लोड डिमांड इज एज फॉलोज, फ्रॉम मिडनाइट टू 5 AM 200 वॉट, और 5 से 6 PM की, 5 AM से 6 PM के बीच में क्या कोई लोड नहीं है, 6 PM से 7 PM के बाद बीच में 700 वॉट का लोड है, और 7 से 9 PM के बीच में कितना है, 1000 वॉट का लोड है, और 9 PM से मिडनाइट के बीच में कितना है आपका 5500 वॉट का लोड है। ठीक है, तो टोटल हम देखेंगे लोड कितना है, सबसे पहले निकालेंगे सम, ठीक है कितना कंजप्शन हो रहा है, तो 200 × 5 1700 × 1 और 1000 × 2 और 1500, सॉरी 500 × 3, ये कैसे आएगा देखो, यहाँ पे 200 कितने टाइम्स के लिए, 5 आवर्स के लिए, प्लस आपका 5 से 6 PM कोई नहीं है, फिर उसके बाद 6 से 7 PM के बीच में कितना 700 वॉट है, तो ये कितने टाइम के लिए, 1 आवर के लिए, फिर उसके बाद देखें 7 से 9 1000, ये कितने टाइम के लिए, 2 के लिए है, और फिर 9 से मिडनाइट मतलब 3 आवर्स 500। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, ये 5200। ठीक, एवरेज एवरेज लोड क्या होता है, एवरेज लोड होता है एनर्जी कंजम्पशन ड्यूरिंग द डे। ठीक है, एक दिन में कितना एनर्जी कंजप्शन होगा, तो कितना होगा हमारा 5200 / 24, तो कितना आ जाएगा 216.7 वॉट एवरेज लोड कितना आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अ डीजल पावर स्टेशन हैज फ्यूल कंजप्शन ऑफ 0.2 kg पर kWh इफ दी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दी ऑयल इज 11,000 kcal पर kg, देन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द पावर स्टेशन इज, यहाँ पे हमें दिया गया है क्या, एक डीजल पावर का फ्यूल कंजप्शन दिया गया हमें 0.2 kg पर kWh। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू दी गई हमें ऑयल की। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पे एफिशिएंसी, पावर स्टेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक, तो 1 kW आउटपुट के लिए कितना हीट जनरेट होगी, हीट हीट की इनपुट होगी वो होगी आपकी 11,000 × 0.2 मतलब 2200 kcal। ठीक है, और हम जानते हैं 1 kW में कितना कैलोरी, किलो कैलोरी होता है 866 किलो कैलोरी, सो ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो इससे हम निकालेंगे कितना आ जाएगा 39.2% एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 39.2%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर शुड बी यूज्ड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सा जनरेटर यूज किया जाता है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, या फिर डेल्टा सिस्टम, या फिर स्प्लिट फेस, या फिर नन ऑफ द अबव, कौन सा जनरेटर यूज किया जाता है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक, क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर इट इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड बूस्टर, इट कैन बी यूज फॉर लाइटनिंग एंड पावर पर्पज विथ फील्ड रेगुलेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। इन अ जनरेटर वोल्ट इज प्रोड्यूस बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इलेक्ट्रिक प्रेशर, वाइब्रेशन, मैग्नेटिज्म, कटिंग लाइन ऑफ फोर्स। तो जनरेटर में आपका जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो किस कंडीशन में होता है, जब कटिंग लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है ये क्या कट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इल्यूमिनेशन इज मीजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट, ल्यूमेंस, फुट फुट कैंडल्स, लाइट पर स्क्वायर इंच, या नन ऑफ दीज, राइट आंसर इज फुट कैंडल्स। फुट कैंडल इज अ नॉन एसआई यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन और लाइट इंटेंसिटी, द फुट कैंडल इज डिफाइंड एज 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर फुट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द इंडक्टिव एक्शन विच कॉज करेंट टू फ्लो ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, हेलो इफेक्ट, इंडक्टेंस, स्किन इफेक्ट या फिर इंसुलेटेड पर वोल्ट। तो ये कौन सा इफेक्ट कहलाता है, स्किन इफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, टू ट्रांसमिशन वायर क्रिएट कोरोना व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट, द वायर हैव अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस, द वायर्स आर इंस्टॉल्ड ओवरलैपिंग और टू क्लोज टुगेदर, द वायर आर स्पेस्ड टू फॉर अपार्ट, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज द वायर हैव अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 17, इफ अ सीरीज सर्किट हैज अनइक्वल रेजिस्टेंस थ्रू द सर्किट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द लोएस्ट रेजिस्टेंस हैज द हाइएस्ट करेंट, सीरीज सर्किट दिया गया ठीक है इसमें इसमें, एंड द लोएस्ट रेजिस्टेंस हैज हाइएस्ट वैल्यू वोल्टेज, द हाइएस्ट रेजिस्टेंस हैज हाइएस्ट वोल्टेज, द हाइएस्ट रेजिस्टेंस हैज हाइएस्ट करेंट। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं सीरीज में क्या होता है, करंट की वैल्यू सेम होती है ठीक है, तो वोल्टेज किसके पैरेलल में हो जाएगा, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू आर, हाईएस्ट रजिस्टर के लिए हाईएस्ट वोल्टेज होगा ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 18, द आउटपुट ऑफ अ थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर इज मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट, वोल्ट एम्पियर्स, वोल्ट एम्पियर्स वॉट। तो हम सभी जानते हैं ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में होती है, केवीए में, मतलब वोल्ट एम्पियर। राइट आंसर इज वोल्ट एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इन अ कॉइल द हायर द लेवल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस द लोअर द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस विल बी, द लॉन्गर द डिले विल बी, द लॉन्गर द डिले विल बी द एस्टेब्लिशिंग करंट थ्रू इट, द ग्रेटर द लेवल ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस विल बी, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द लॉन्गर द डिले विल बी द एस्टेब्लिशिंग करंट थ्रू इट। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द पावर फैक्टर ऑफ अ सर्किट इज इंक्रीज, यदि किसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या बढ़ जाता है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स, द एक्टिव पावर इज इंक्रीज, एक्टिव पावर क्या है बढ़ जाएगी, रिएक्टिव पावर कम हो जाएगी, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो जो पावर फैक्टर क्या है इंक्रीज होता है सी सर्किट का, तो रिएक्टिव पावर क्या होता है कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यार वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, तो यदि पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ में, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।